लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। झांसी में आज बदमाशों के द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। श्री मुन्नालाल के पुत्र के साथ मारपीट करने की शिकायत उन्होंने काफी समय पहले पुलिस में दर्ज कराई थी, पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए प्रतीक सैमसन की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? मुन्नालाल है सर। क्या हुआ है आपके साथ? भैया ये हमारा लड़का झांसी में रहता था, 18 जुलाई को झांसी के ससुराल के 4 लोग इसको मार के फेंक गए थे चिड़गांव में। ये जो है 4 महीने वेंटिलेटर पे रहा और 2 महीने ऑक्सीजन पे, 8 महीने हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं लिखी सर? 308, 342, 506 ये धाराएं लगी हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कोतवाली में लिखा हुआ है, पक्की FIR लिखी हुई है सर। तो क्या कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई FIR पे, इसलिए हम अभी सर के पास आए। फिर आज कार्यालय आए हम SP ऑफिस में। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? उनको जी मिला है कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। अब 8 महीने से नहीं हुआ, आप देखो सब होता कि नहीं है, 7 दिन बाद नहीं तो फिर आएंगे बोला।